డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులకు స్వాగతం. ఈ ప్రసారంలో విద్యార్థియో, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక్ విశ్వవిద్యాలయ हैदराबाद की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है. आज हम हिंदी के आधार पाठ्यक्रम में जो गद्य भाग है उसकी दूसरी इकाई का अध्ययन करते हैं. इस इकाई में आपको विख्यात कहानीकार मन्नू भंडारी की कहानी नशा पर विचार किया जाएगा. नशा कहानी मन्नू भंडारी की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है. सबसे पहले हम मन्नू भंडारी के बारे में बात करते हैं. आज़ादी के बाद जिन महिला कथाकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया हिंदी कथा साहित्य में, उनमें मन्नू भंडारी काफ़ी अहम स्थान रखती हैं. विशेषकर महिला कथाकारों की बात करें तो जिन्होंने समय और परिवेश को केंद्र में रखकर वर्तमान यथार्थ को कहानियों में प्रस्तुत किया, उनमें मन्नू भंडारी महत्वपूर्ण लेखिका हैं. मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश में हुआ. उनकी शिक्षा और दीक्षा कलकत्ता और बनारस में हुई. एक बात अगर ध्यान में रखें कि लेखिका का जो जो जीवन है वो बात के उनके लेखन में और साहित्य में खुलकर उभर कर सामने आता है. यूं कहें कि उनके व्यक्तित्व का हिस्सा जो है वो लेखन में उभर कर हमको दिखता है. उन्होंने कहा था कि लेखन साहित्य की कोई विधा हो लेखन में, या फिर कला का कोई क्षेत्र हो, संगीत हो, चित्रकला हो, वो व्यक्ति के वजूद को बचाए रखने में, व्यक्ति के वजूद को बचाए रखने में मदद करती है साहित्यकार की. और उन्होंने एक शक्ति साबित होती है जो उसकी साहित्य विधा है जिसमें वो लिखता है या जिसमें वो काम करता है. हम देखें कि उनका जो जीवन रहा मन्नू भंडारी का, वो खासकर हमको उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में, उन्होंने नाटक भी लिखे उनमें सामने दिखाई देता है. मैं उनके कॉलेज के ज़माने की एक घटना बताऊंगा. एक बार उनके कॉलेज से उनके घर एक संदेश आया कि कॉलेज के सारे विद्यार्थी उनका पक्ष लेते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो कॉलेज में इससे समस्या होती है तो उन्हें घर बिठा दिया जाए. उनके पिताजी ये सुनकर जो है आश्चर्यचकित हुए और वो गए. उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि आज भारत में बोलने वालों की आवश्यकता है और आप कहते हैं कि चुप बिठाया जाए. तो ये व्यक्तित्व बाद में भी हम देखते हैं साहित्य में मन्नू भंडारी की खुलकर दिखाई देता है. उनके कहानी संग्रहों में एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई और यही सच है के अलावा तीन निगाहों की एक तस्वीर बहुत लोकप्रिय रहे. आपका बंटी उनका मशहूर उपन्यास है. इसके अलावा उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर एक इंच मुस्कान उपन्यास लिखा. और महाभोज जो उनका उपन्यास था उन पर एक फिल्म भी बनी जो काफ़ी लोकप्रिय रही. अब आते हैं हम कहानी पर. नशा, जैसे सुनते ही हमको लगता है कि ये नशे के विषय पर लिखी गई कहानी है. नशा कई तरह का होता है. नशा शराब का होता है, नशा दौलत का होता है, नशा ताकत का होता है, नशा प्रेम का भी होता है. तो इसमें हमको, इस कहानी में दो तरह का नशा हमको देखने को मिलेगा. एक तो वो नशा है जो शराब का है, आदमी शराब के नशे में क्या कुछ हो जाता है. दूसरा प्रेम का नशा है जो पत्नी
अपने पति से करती है। ये दो तरह का नशा हमको इस कहानी में मिलेगा। मैं कहानी का सारांश आपको बताता चलूं कि कहानी का जो मुख्य पात्र है आनंदी और उसका पति शंकर और उसका बेटा किष्णु, तीन पात्र इस कहानी में हैं। कहानी की शुरुआत ही हम देखते हैं कि एक ऐसे संवाद से होती है कि किस हराम के पिल्ले ने ऐसी चीज़ बनाई, ऐसी जानलेवा चीज़ बनाई, ऐसा शुरू होता है। उसके बाद शराब के जो कुछ विकार हमें बताए जाते हैं वो हैं कि ये ज़िंदगी तबाह करती है, आदमी को पीती है और आदमी का ईमान, आदमी के ईमान को पीती है। ये संवाद कहते हुए एक किचन का दृश्य है जिसमें शंकर घर में प्रवेश करता है और शंकर आनंदी को एक संदेश देता है कि उसके बेटे कृष्णु की चिट्ठी आई है। और इसके पीछे भी शंकर का उद्देश्य है कि वो चिट्ठी देने के बहाने भी शराब के कुछ पैसे आनंदी से वसूल करे। आनंदी का इसके बाद अगर हम देखेंगे, आनंदी का पात्र धीरे धीरे उभर कर कहानी में सामने आता है। आनंदी पहले कम उम्र में उसकी शादी हुई है और उसके बाद सास के अत्याचार उस पर होते हैं। पहले वो समझती है कि सास घर का कर्णधार है, जब सास का निधन होता है तो शंकर के अत्याचार उस पर बढ़ने लगते हैं, उसका दुर्व्यवहार बढ़ने लगता है। तो उसको पता चलता है कि नहीं, अब सास नहीं बल्कि शंकर उसका कर्णधार है। बेटा किष्णु जो है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो पिता के दुर्व्यवहार उसके अपने साथ और माँ के साथ वो देखता रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि पिता माँ को पीट रहा है, शंकर जो है आनंदी को पीट रहा है, तो उसको क्रोध आता है। रोज़ देख देख कर 14 साल का जो किष्णु वो बाप से उलझ पड़ता है और लड़ने लगता है। जब माँ इसका विरोध करती है तो वो इस सारे माहौल से, इस सारे वातावरण से एक तरह से निराश होकर घर छोड़कर शहर चला जाता है। ये एक पक्ष कहानी का है। उसके बाद जब वो वहीं एक व्यापार शुरू करता है, सफल व्यापारी बनता है, शादी होती है, इस बीच वो कई तरह की चिट्ठियां अपनी माँ को लिखता है लेकिन पिता से एक तरह से वो अपने संबंध विच्छेद कर लेता है पिता से बाहर, क्योंकि एक तरह के पिता की जो आदत है उससे वो घृणा करता है। पिता से घृणा करता है ऐसा कहना कठिन होगा या गलत होगा, लेकिन पिता की जो आदतें हैं, शराब की आदतें हैं, उससे वो घृणा करता है। एक दिन जब चिट्ठी भेजता है कि मैं आ रहा हूँ, अब वो चिट्ठी माँ को मिलती है और उसके बाद वो घर आता है, तब भी वो देखता है कि पिता आनंदी के साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है। तो अपनी माँ से कहता है कि अब मेरे साथ चल, और वो अपनी माँ को लेकर शहर चला जाता है। ये एक एक हिस्सा कहानी का शराब के नशे पर आधारित हम देखेंगे। तो दूसरा हिस्सा अब हमारे सामने आता है पत्नी प्रेम का, जो पतिव्रत पत्नी संभालती है या जीवन भर वो अपने पति से किस तरह प्रेम करती है चाहे वो कैसा भी हो। एक दिन हालांकि जब माँ शहर जाती है तो उसे बहुत प्यार अपनी बहू से और अपने बेटे से मिलता है, पूरा उसका ख्याल रखा जाता है। इसके बावजूद वो कपड़े सीती है और कपड़े सीकर जो पैसे जमा करती है, एक दिन आश्चर्य होता है किष्णु को कि वो पैसे वो अपने पति को भेज रही है ना, उसके पिता को भेज रही है। वो उन्हें बातें करता है तो शर्मिंदा होती है, वो क्यों भेजती है पैसे। उसको वो सारी घटनाएं याद आती हैं कि शंकर के पास जिस समय पैसे नहीं होते थे तो उसे पीटता था पैसों के लिए, आनंदी को उसे मारता था ताकि वो उसे पैसे लेकर शराब पी सके। उसको ख्याल आता है कि जब मैं वहाँ नहीं हूँ और जो उसको पैसे नहीं मिलते होंगे तो कितना परेशान होता होगा, इसीलिए वो उसको पैसे भेजती है। तो एक तरह से ये कहानी का जो सारांश है कि शराब का नशा और पति प्रेम का नशा, बहुत विस्तार से दोनों को कहानीकार ने हमारे सामने रखा है। नशा कहानी अपने समय, अपने समाज और अपने परिवेश से उपजी हुई है। ये भारतीय समाज के
निम्न वर्ग या ये कहिए कि निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग किसी भी वर्ग में ये पात्र हो सकते हैं, ये कहानी हो सकती है। मन्नू भंडारी ने ये कोशिश की है कि उस कहानी में उनकी कल्पना यथार्थ के धरातल पर हो, उनके पात्र यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। ये पात्र हमें भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कहीं भी अगर हम ढूंढें कि चाहे झुग्गी बस्तियां हो शहरों की या ग्रामीण क्षेत्र हो, ये पात्र हमें दिखाई देता है कि शराब के नशे में पत्नी को पीटने वाला, बच्चों को पीटने वाला, और जब तक कि उसकी मांग पूरी ना की जाए, वो जब तक अत्याचार करता है, मारपीट पर उतर आता है, गाली गलौज करता है। इस पूरी परिस्थिति को मन्नू भंडारी ने अपनी कहानी में प्रस्तुत किया है। हम बात करते हैं एक एक पात्र के आधार पर। सबसे पहले तो आनंदी का पात्र है। आनंदी को भारतीय नारी का एक उत्तम पात्र या भारतीय नारी के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत की जो आदर्श नारी ना कहें, लेकिन भारत की जो पतिव्रत नारी है, जो चाहे जैसे उस पर अत्याचार किए जाएं, दुर्व्यवहार पति का सहती है, चाहे ससुराल वालों का व्यवहार जो भी हो उसके साथ वो सहती है, लेकिन वो अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाती है। अशिक्षित है, शायद ये भी कारण है कि उसमें अपने पति के साथ हर हालत में पति का साथ निभाने की जो भावना है उसके साथ लगी हुई है। और इस पात्र को विकसित करने में, इस पात्र को, ये पात्र जिससे कहानी के साथ आगे बढ़ता है, उसमें कई सारी विशेषताएं हमको देखने में मिलती हैं। सबसे पहले तो चाहे हालात जैसे भी हों, वो अपने पति को चाहती है, पति पीटता है तो भी उसको शराब पीने के लिए पैसे देती है, खुद मेहनत करती है, पीसती है आटा, बहुत सारे काम करती है, मजदूरी करती है, और वो पैसे जब वो छीन ले जाता है तब भी बेबस घर में बनी रहती है, अपने बच्चे से प्रेम करती है जो उसको पिता के दुर्व्यवहार के कारण शहर चला गया है, वो उसके आने की आस लगाए बैठी है, और जब वो अपने बेटे के साथ मजबूरन चली जाती है तब भी उसको अपने पति का ख्याल सताता रहता है, और वो उसके प्रबंध के लिए वहाँ से अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई भिजवाती रहती है, छुपा कर, अपने बेटे को ना बताकर। ये इस तरह से आनंदी का पात्र हम एक उत्तम भारतीय नारी के पात्र के रूप में देख सकते हैं। दूसरा पात्र है शंकर का। शंकर अपनी माँ का इकलौता बेटा है, शायद इकलौता बेटा होने के कारण माँ के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है, और इतना बिगड़ जाता है कि वो शराब पीने लगता है। शराब में खेती बाड़ी और जो कुछ भी उसके पास धन दौलत जो भी है वो सारी उसमें बर्बाद हो जाती है, जैसा कि लेखिका ने शुरू में ही अपने शंकर के संवादों में ये बात हमको सामने रखी है। जब हम शंकर का पूरा पात्र देखते हैं कि किस किस क्या क्या बुराइयां उस पात्र में हैं, एक तरह से इसको भारतीय समाज में जो दुर्व्यवहारों से, व्यसनों से ग्रसित जो सारे पात्र, एक तरह से शराब को बीमारी के रूप में दर्शाने का प्रयास लेखिका ने इस पात्र के द्वारा किया है। विशेषकर जब पैसे नहीं मिलते हैं, आनंदी जब उसको पैसे नहीं देती है तो पहले तो पीटता है। एक दो दृश्य बड़े अच्छे हैं इस कहानी में, इस पात्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि वो बार बार उसको, उसकी जब वो पैसे नहीं देती है तो उसको पीटता है, और जब पैसे देती है तो उसकी बलाएं लेता है, उसकी के उसकी तारीफ करता है। और कई एक और दृश्य है कि जब किश्नू की चिट्ठी आती है तो वो चिट्ठी को देने के लिए भी जो है वो उससे पैसे वसूल करता है ताकि शराब के कुछ घूंट उतारे जा सके। तो ये सारी बुराइयों से भरा
व्यसनों से भरा ये पात्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है, एक तरह से प्रेरित करता है कि इस तरह की आदतों में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, परिवार कैसे उजड़ सकते हैं आदि आदि। तीसरा पात्र किष्णु का है। किष्णु नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व है हमारे पास, के पहले वो बच्चा है तब सह लेता है सारे जो भी अत्याचार माँ पर और उस पर किए जा रहे हैं, बाप की मारपीट सह लेता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है 14 साल के आसपास वो बाप का विरोध करता है, माँ पर अत्याचार सहन नहीं करता। एक दिन तो वो बाप का हाथ ही पकड़ लेता है, जब माँ उसका विरोध करती है तो तब वो निराश हो जाता है, तब वो शहर चला जाता है, शहर में मेहनत करता है। एक ईमानदार युवक का, एक ईमानदार नए भारत के ईमानदार ग्रामीण और शहरी दोनों मिक्सचर उसमें है, गांव का है शहर गया है, ईमानदारी से कमाता है, व्यापार शुरू किया है, शादी की है उसने, और फिर वो माँ की खबर भी लेता रहता है बीच बीच में, और अंत में माँ को लेकर शहर चला जाता है और माँ का ख्याल भी रखता है, एक माँ के प्रति श्रद्धा भी उसके पास है। तो ये तीन पात्र मुख्य रूप से इस कहानी के हैं, और तीनों जब हम आगे बात करते हैं भाषा शैली की, शिल्प की, तो मुख्य रूप से इसकी जो भाषा है वो तो खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन कहीं कहीं हमको आंचलिक स्पर्श भी मिलता है, चाहे वो शंकर के संवाद हो, आनंदी के संवाद हो, ये दोनों के बीच भी मुहावरे हमको मिलते हैं। एक जमीन से जुड़ी जो भाषा है और कहानी को यथार्थ रूप में किस तरह से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, कहानी कैसे हमारे मन को स्पर्श करती है, उसका पूरा ख्याल, उस भाषा का पूरा ख्याल मन्नु भंडारी ने इस कहानी में रखा है। कहानी का शिल्प ये है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक कई सारे दृश्य उसमें प्रस्तुत होते हैं। भाषा बिल्कुल पात्रोचित है, जैसे पात्र हैं उसी तरह की भाषा है, और हालांकि कहीं कहीं फ्लैशबैक भी हमको मिलता है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कहानी में झोल आ गया है, बल्कि कहानी बिल्कुल अपने दृश्यों के साथ चलती है और प्रभावित करती है, प्रेरित करती है हम कह सकते हैं। आइए छात्रों, हम अब कहानी के मूल्यांकन की बात करते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं या इसमें किस तरह से ये कहानी को हम पढ़ सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं मूल्यांकन की बात करूँगा कि हम भारतीय समाज का एक खास चेहरा इस कहानी में उभर कर हमारे सामने आता है। लेखिका ने उसके साथ पूरी ईमानदारी से काम किया है, ऐसा नहीं लगता कि वो कोई सुनी सुनाई बातें कहती हैं या अपने जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उसको थोपती हैं, बल्कि समाज से जो अनुभव उनको मिले, विशेषकर वो अध्यापन से जुड़ी रही, छात्र जीवन से उनका बहुत निकट का रिश्ता रहा, कई छात्रों को उन्होंने देखा होगा इन परिस्थितियों में, तो वो कहानी को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती हैं हमारे सामने। और आनंदी का ही पात्र हम लें, आनंदी का जो पात्र है वो तर्कों पर हम नहीं देख सकते उसको, भावनात्मक रूप से वो जितनी भावुक है वो शिक्षित नहीं है, वो बौद्धिकता से काम नहीं लेती, वो तर्क से काम नहीं लेती, बल्कि अपनी भावुकता से काम लेती है। भावात्मक जो उसका रिश्ता है पति और पुत्र से इस कहानी में हमारे सामने आता है, जिसको सफल रूप से मन्नू भंडारी ने हमारे सामने रखा है। आइए हम बात करते हैं कि परीक्षा की दृष्टिकोण से हम क्या क्या किस किस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो हमको देखना होगा कि कहानीकार कौन है, कहानीकार का परिचय क्या है, वो उन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन से उपन्यास लिखे हैं। विशेषकर जब मन्नू भंडारी की हम बात करेंगे तो उनके तो तीनों उनका जो कथा संसार है उसके बारे में हमको जानना होगा, उनके कहानी संग्रहों के नाम यही सच है और दूसरे जो भी कहानी संग्रह हैं। उसके बाद उपन्यासों की बात करें
आपका बंटी जो उपन्यास है वो, फिर एक इंच मुस्कान और महाभोज। आपका बंटी उपन्यास की हम बात करेंगे तो उसमें भी एक तरह से विवाह विच्छेद के बाद एक बच्चे की क्या व्यथा होती है, क्या पीड़ा होती है, वो उसमें बताया गया है। तो कहानीकार के बारे में हमको जानना होगा पहले, उसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे, कहानी का सारांश देखेंगे कि हम कहानी का सारांश किस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके लिए एक तो जो भी कहानी हम कहानी होती है, कहानी शुरू कैसे होती है, वो चरम उत्कर्ष पर कैसे पहुंचती है, कैसे समाप्त होती है, ये कहानी का सारांश हमने देख लिया या इसी अंदाज से देखेंगे। उसके बाद हम पात्रों की विशेषता के बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो मुख्य पात्र कौन है, कहानी की नायिका कौन है, तो इस कहानी में कहानी की जो नायिका है वो आनंदी है। कहानियों में खलनायक भी होता है, तो यहाँ खलनायक के रूप में हमको शंकर मिलता है। कहानी में सहनायक होता है, तो इसमें किष्णु को हम सहनायक के रूप में देख सकते हैं। इस तरह हम कहानी को इस आधार से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कहानी का मूल्यांकन कैसे करते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या प्रश्न हमारे सामने हैं। आनंदी का पात्र एक भारतीय नारी का पात्र है, हमको बताना है तो कैसे हम बताएंगे। किष्णु नई पीढ़ी के रूप में या अत्याचार न सहने वाले एक युवक के रूप में हमारे सामने आता है, उसको कैसे प्रस्तुत करेंगे। भाषा शिल्प यानी मुहावरों पर ध्यान देना होगा, संवादों पर ध्यान देना होगा, शब्द कहाँ कैसे कैसे प्रयोग में लाए गए हैं उस पर ध्यान देना होगा। इस तरह से पात्रों के बारे में, पात्रों के चरित्र के बारे में हमको लिखना होगा। कहानी का सारांश है, लेखिका का परिचय है, ये दो तीन बातें विशेषकर हमको ध्यान में रखनी होगी। तो विद्यार्थियों, ये रहा आज का हमारा जो है अध्यापन अध्ययन का, विशेषकर कहानी नशा कहानी जो आज हमने सुनी या पढ़ी आपने देखी, तो इसमें इसको पूरे ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से भी न देखकर प्रेरणा की दृष्टि से भी हम देखें तो ये काम आने वाली कहानी है। छात्रों, इस कहानी को पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य भी यही है कि ये कहानी प्रेरित करती है हमें समाज की, जो समाज में जो बुराइयां हैं उसको प्रस्तुत करती है। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है कि उन बुराइयों को किस तरह दूर किया जाए वो बताया जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि इसका ये कहानी हमको प्रेरित करती है सद्गुणों की ओर, बुरे गुणों से दूर करते हुए। और कहानी के पात्र भी विशेषकर आनंदी और किष्णु सशक्त पात्र हैं, और उन पात्रों के आधार पर हम इस कहानी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। धन्यवाद। పాఠ్యాంశాలపై మీ సూచనలు, సలహాలు, సందేహాలు మాకు తెలియచేయండి. మీ సూచనలు, సలహాలు, సందేహాలు మాకు తెలియచేయవలసిన చిరునామా: డైరెక్టర్, ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, ప్రొఫెసర్ జి రామరెడ్డి మార్క్, రోడ్ నంబర్ 46, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్ 5000033.